नमस्कार दोस्तों, मैं अजितेंद्र कुमार। आज साइट पर एक नोटिस आया था बिहार इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, जो कि एग्ज़ाम होने वाला है, दिसंबर में स्टार्ट होने वाला है, 8 दिसंबर से। तो उसके रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन आया था, और उसको कैसे डाउनलोड करना है इस पे बात करेंगे आज। तो जो लड़के डाउनलोड किए हैं और जिसका कि उस पे फ़ोटो और सिग्नेचर नहीं आया, वो दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आप साइट पर जाइए, बिहार एसएससी का साइट पे, वहाँ से आपको उसको नोटिस आ जाएगा। उस पे से लिंक पे क्लिक करना है। तो सबसे जब से आप ओपन करेंगे, ऐसे ही लिखता है दिस साइट कांट बी रीच्ड। तो आपको पैनिक नहीं होना है, आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, वो अपने आप आ जाएगा। उसमें आपको नाम और रोल नंबर डालना है। जैसे ही आप नाम और रोल नंबर डालेंगे, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप नाम और पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ से उसको खोल सकते हैं। ये देखिए डाउनलोड हो रहा है ऑटोमेटिक, लेकिन साइट का भी रीच लिख रहा है, लेकिन नीचे डाउनलोड हो चुका है। उसको फिर यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जो सेव्ड फाइल है उसमें वो लॉक रहता है, उसको लॉक को अनलॉक करने के लिए आपको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो फॉर्मेट उसमें लिखा रहता है, जैसे कि जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसमें फॉर्मेट लिखकर जैसे दिया हुआ है उसमें वैसे ही फॉर्मेट डालना है, नीचे में लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, आप जैसे ही डालेंगे अपना वो पासवर्ड हो जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वही पासवर्ड होगा। उसके बाद उसको डालने के बाद वो आप उसको खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो सबका डाउनलोड एडमिट कार्ड हो रहा है, और जो जिन लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, जिसका फोटोग्राफ और सिग्नेचर नहीं आया है, वो दोबारा से डाउनलोड कर लेंगे। एक दिन में 3 बार ही आप लॉगिन कर सकते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा, और ऐसे करके आपको खुल जाएगा। मेरा भी एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि है 8 दिसंबर को, किशनगंज में पढ़ाया सेंटर। बेस्ट ऑफ लक आप सब लोगों को जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।